वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान और अगले दो दिन तक आप अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना। यह बात किसी को भी भनक नहीं लगने देना। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, कमरा बिल्कुल खाली हो, बंद कमरे में वीडियो देखना। शरीर का एक एक पुर्जा ढीला होने वाला है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। अगले दो दिन तक एक के बाद एक खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, ये होगा तभी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, वीडियो के अंत में हम एक खास और जबरदस्त उपाय बताए हैं, जो कि ये उपाय मात्र करने से ही आपका भाग्य उदय होने लगेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अगले दो दिन तक ग्रह गोचर काफी प्रभावशील रहेंगे। इसका असर आने वाले अगले दो दिन तक आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, गृहस्थ जीवन जीने के लिए व सभी जाति एवं जातिकाओं के लिए कौन कौन से शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं या कौन कौन से अशुभ परिणाम, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी केवल आज की इस वीडियो में। अनुरोध है केवल आपसे इतना ही, आप हमेशा की तरह शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में कुछ गलतियां बताएंगे, कुछ सावधानियां बताएंगे और अंत में उपाय है। जो भी व्यक्ति यह उपाय अगले दो दिनों के भीतर कर लेगा, उनके जीवन के तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखेगा, उन्हें श्री राम जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल ज्ञान से। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते, जिससे गंदगी अपने आप शांत होकर बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जिंदगी के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान हमारे लिए एक रास्ता खोल देते हैं और वही रास्ता हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगी। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों के राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, अभी आपको हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तक आप दूरदृष्टि रखकर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जान पाना संभव होगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपकी मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना, लोगों के विचारों के बारे में अधिक सोचने की वजह से आप खुद की तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे बस यही सलाह रहेगी कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना ही करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो दोस्तों आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आपको बस अपने कामों में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में संतुलित बनाते समय जो है कर्तव्य और खुद की अपेक्षाओं की ठीक से समझने की कोशिश आवश्यकता रहेगी। देखिए दोस्तों, काम से संबंधित लिए गए निर्णय का सफर व्यक्तिगत जीवन पर किस हद तक हो रहा है, इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में आपसी मनमुटाव दूर होंगे तथा सुखद वातावरण बनेगा तथा बच्चों का आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इन सभी गतिविधियों को में आपकी विशेष भूमिका रहेगी।
किसी अनुभवी व्यक्ति का स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय अन्य गतिविधियों में व्यस्तता रहने की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आ सकती हैं और काफी भावनाओं और उदारता को नजर जो फायदा उठा सकती हैं। इस समय आर्थिक स्थिति पर ही ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय घर में नवीकरण संबंधित कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी समस्या का समाधान मिलने से आपकी चिंता दूर होगी और आप काफी ज्यादा मानसिक तनाव से भी राहत पाएंगे और अपने अंदर जो है बेहतर आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। जो सितारों की चाल है वो आपको कई प्रकार से जो है सावधान रहने के लिए संकेत कर रहे हैं। किसी नजदीकी संबंध के साथ भी महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप होगा, बेहतरीन जानकारियां मिलेगी। दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर हमें यह संकेत दे रहे हैं, जितना सावधान रहिएगा अभी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पड़ोसी के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा और कहासुनी होने की आशंकाएं लग रही है। राजनीतिक कार्यों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, थोड़ी सी गलत विधियां आपको जो है फंसा सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके अंदर इस समय उमंग की भावना रहेगी और इस समय ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपनी बनाई हुई योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे और सकारात्मक परिणाम भी हासिल करेंगे। नजदीकी संबंधी से मुलाकात का अवसर मिलेगा और राजनीतिक संपर्क में आपको फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो कोई भी फैसला लेते समय दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग पेपर वर्क करते समय लापरवाही ना करें, अन्यथा दिक्कत आपके लिए बढ़ सकती है। व्यवसाय में सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से कोई सलाह से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्यों में फायदा होगा। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने काम के किसी प्रति लापरवाही अभी आपको नहीं बरतना है, जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, खास उपाय की बात करें तो किसी भी शुभ मुहूर्त पर उठकर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम के कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसमें बांधे माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसमें कपड़े में बांधे चावल भी वहाँ पर रखनी है। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर जहाँ पर आप धन रखते हैं किसी तिजोरी में या फिर कहीं ऐसे स्थान में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी काफी ज्यादा प्रसन्न होगी, आपके घर वास होगा। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे और आप अपने परिवार के किसी सदस्य से मन की इच्छा को जाहिर कर सकती हैं, जिससे आपकी मन की इच्छा भी पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। आपके कुछ कार्य यदि रुकावट आ रही थी तो उनमें अब आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी आय में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी की सलाह पर चलना, अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा। विभिन्न परिस्थितियों पर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक नौकरी के साथ साथ अपने किसी काम को करने की योजना बना रहे हैं तो वह इच्छा भी आज के दिन पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपके तीन बड़े सपने सच होंगे, चाहे वो सपना आपके नौकरी को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, आपके तीन सपने आज जरूर सच होंगे। जी हाँ दोस्तों,
वही दोस्तों, आपको बता दें आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कुछ घरेलू कामों में सावधान रहने और किसी बात विवाद में ना पड़ने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें और आपके कुछ करीबी आपके घर में दखल अंदाजी कर सकते हैं, जिससे माहौल शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बीच एक दूसरे को आने देने से बचना होगा, नहीं तो परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बात विवाद कोई मामला है तो घर में ही मिल बैठ कर सुलझाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा उलझन भी देखने को मिल रही है, उलझनों से बचने का प्रयास करें क्योंकि लड़ाई झगड़े के आसार आज के दिन बन रहे हैं। जी हाँ, खासकर अगर आप गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, नहीं तो चोट चपेट लग सकता है। जी हाँ, और अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको कैरियर को लेकर यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी आज के दिन दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि सितारे कहते हैं आज छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। भाई बंधुओं की भावनाओं पर पूरा जोर देंगे और विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे और आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए आनंदमय रहने वाला है और परिवार के सदस्यों में चल रहे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और सभी एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रसन्नता होगी और रक्त संबंधित रिश्तों में मजबूती आएगी। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण विषयों में आपको वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें धन को अच्छी योजना में निवेश कर सकती हैं जो कि आगे चलकर आपको लाभ दे सकता है। जी हाँ, आपको कुछ निजी मामलों में बाहरी व्यक्तियों से बचना होगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको सलाह दे रहे हैं तो सलाह लेने से पहले आपको दोबारा सोच विचार कर लेनी है कि कहीं वो आपको गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप आगे चलकर बुरी तरह से फंस सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि लोग सब लोग कहते हैं कि बेहतर करिए, बड़ा करिए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करिए, आप उनसे बड़ा करिए। जी हाँ, इसलिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको ही तय करना है क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि समय अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, इससे बड़ा शुभ संकेत आपको और क्या चाहिए। इसका लाभ उठाएं, इसका सदुपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, अगर आज के दिन कोई नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो फैमिलीज है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक्सपर्ट हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उनका सलाह मशवरा लेकर ही करिएगा तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, और कोई खास काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता का शरण स्पर्श करके निकले तो आपको कामों में सफलता जरूर मिलेगी। आज तक जो चीज आपके खिलाफ थी अब वो आपके अनुकूल होगी। देखिए दोस्तों, इंतजार और इंसान की जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता है, बशर्ते इंसान का कर्म सही और अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में कर्म बहुत ही बड़ा मैटर करता है। गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि दुनिया में किसी से डरे या ना डरे, लेकिन अपने कर्मों से एक बार जरूर डरे। देखिए दोस्तों, दोपहर से पहले अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी आएंगी, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करते जाना है। दोपहर के बाद से परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी, आपका रुका हुआ धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, और प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के लिए किसी नए काम की शुरुआत करा सकती हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपका कोई संपत्ति संबंधित वाद विवाद चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है और गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव बनी रहेगी, लेकिन फिर भी बाकी दिनों की तुलना में से आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज आपके ऊपर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद बन रहा है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी की पूजा आराधना करें, इससे दोनों प्रसन्न होंगे और आपके घर और आपके जीवन में धन दौलत की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, और व्यापार कर रहे लोग आज अपनी योजनाओं पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। जी हाँ, नौकरी पेशा लोग अधिकारी यदि उनको कोई काम सौंपेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी अवश्य लेनी होगी, नहीं तो उसमें कोई गलती हो सकती है। आप इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत कर सकती हैं जिससे आपके काम लटक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपकी कोई पुरानी योजना फिर से काम कर सकती है। संतान से आप किसी बात पर वाद विवाद में पड़ सकती हैं, इनसे आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, बचना चाहिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। आपको किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है जो कि आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। आपको यदि आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई थी तो वह भी दूर होगी और कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य का साथ मिल रहा है। आपको परिवार में सदस्यों की बात सुननी व समझनी होगी, तभी कोई निर्णय लेना होगा, नहीं तो आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है और आपको अपने किसी काम के कारण जो है समस्या रहेगी, लेकिन आपको ज़्यादातर समय अपने कामों पर ही देना आपके लिए उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में से बेहतर रहने वाला है। आपका कोई मित्र यदि आपको किसी निवेश संबंधित योजना के बारे में बताएंगे तो आपको उसमें धन लगाना बेहतर रहेगा। ननिहाल पक्ष के लोगों से आज आप अपनी माता जी को मेल मिलाप कराने लेकर जा सकती हैं। आप किसी बात पर यदि गुस्सा हैं तो भी धैर्य बनाए रखें, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जी हाँ, इस चीज़ों से आपको अभी बचकर रहना चाहिए, ये आपके लिए उचित रहेंगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन दोस्तों आपको शर्मिंदगी नहीं होना है। आपको अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो आपको माफ़ी मांगना है, झुकना है, इससे आप कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बलवान होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे रहने वाला है। यदि आपको लंबे समय से कुछ परेशानी आ रही थी तो वह भी आज दूर हो सकती है। जी हाँ, कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं तो अधिकारी से बातचीत कर सकती हैं। आपको अत्यधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिल सकती है। कुछ घरेलू कामों में आप अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाएंगी। यदि आपने पहले से किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वह धन आज आपको वापस मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा तभी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अगर आप गाड़ी वाहन लेने की खरीदने की सपना सोच कर रखे हैं तो वह भी सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, खुशियों भरा समय रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे किसी भी लड़ाई झगड़े को बातचीत में सुलझाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके संबंधों में यदि कुछ दरार आ गई थी तो वह भी आज दूर होगी। आपको आज किसी काम की चिंता सता सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उन्हें स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अच्छा ही रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा किसी बाहरी व्यक्तियों से तनाव जो है पनप सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों में लगने की बजाय खुद पर विश्वास रखें और खुद की कहने पर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।